वाराणसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना व उनकी पत्नी हुई कोरोना पॉजिटिव। राठी ने कहा कि आम आदमी को अगर कोरोना हो जाता है तो उनको सिविल अस्पताल या फिर जाट धर्मशाला हासी में आइसोलेट किया जाता है, तो विधायक को भी जाट धर्मशाला या फिर सिविल अस्पताल में आम आदमी की तरह इलाज कराए और विधायक के संपर्क में जितने भी लोग हैं सभी अपना टेस्ट करवाए। स्वस्थ होकर जनता के बीच में दोबारा से आए और व्यापारियों की, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुने। आज किसान बहुत परेशान है, किसान की 90% फसल खराब हो गई और प्रशासन ने केवल 10% फसल का नुकसान दिखाया, तो विधायक जी ठीक हो गए, जल्द आएंगे बीच में तो समस्या सुनेंगे ना जी। विधायक जी ने रखनी पड़ेगी बात, तो विधायक जी ने मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा, प्रशासन को कहना पड़ेगा जी 90% फसल खराब है। तो मेरी तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना है कि विधायक जी को जल्द स्वस्थ करके किसानों के खेतों में भेजने का काम करें। और दूसरी बात आज की जो वो है कि भाई देखो, यह बीमारी किसी को भी हो गलत है, बीमारी नहीं होनी चाहिए, बीमारी से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। उनके संपर्क में जितने भी लोग आए चाहे वो कोई भी हो, वो उनका अपना टेस्ट करवाना चाहिए। सुनने में आया कि हिसार में बीजेपी का दफ्तर है, 2 दिन पहले वहाँ मीटिंग थी, वहाँ कई नेता इनके संपर्क में आए और वो कई नेता जो हैं वो इस कोरोना टेस्ट से बचते फिरने लग रहे। तो मेरी सबसे पहले तो उन नेताओं से अपील है, भाई इससे बचने की जरूरत नहीं है, इस कोरोना का आप अपना टेस्ट कराओ सभी से, सभी को। जैसे गुप्ता जी हमारे विधायक थे वहाँ, उनसे स्पेशल प्रार्थना है। गुप्ता जी ने पहले भी एक बार कोई रोटरी क्लब की मीटिंग थी, तब उसमें उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया था, वहाँ कोरोना पॉजिटिव आया था। मैं मानूँ कि घमंड को और अपने उसको छोड़ के है ना, अपना टेस्ट करवाए, अपने को आइसोलेट रखे। और बाकी और भी उनके साथ कई बड़े बड़े नेता थे, उनसे भी अपील है भाई वो अपना टेस्ट करवाएं। और देखने को मिला, मैंने कल उनका दफ्तर खुला हुआ था, वहाँ आवागमन था, वहाँ लोग बैठे थे। तो देखो, एक दफ्तर में अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो दफ्तर को खोलना तो बहुत गलत बात है, बीजेपी वालों ने वो बंद करना चाहिए था। और कल शाम को मैंने वहाँ मैं गया तो मैंने वहाँ काफ़ी हलचल देखी, गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी थी, काफ़ी लोग अंदर थे। तो उन लोगों ने भी वो दफ्तर सील करवाना चाहिए, उदाहरण पेश करना चाहिए। एक आम आदमी का घर तो 5 मिनट में सील हो जाता है, एक आम आदमी की दुकान सील हो जाती है, लोगों की पूरे की पूरा बाजार सील कर दिया गया, तो क्या बीजेपी का दफ्तर सील नहीं हो सकता? क्या बीजेपी का दफ्तर कानून से ऊपर है? क्या बीजेपी वाले या बीजेपी के नेता या बीजेपी के दफ्तर जो हैं वो सिस्टम से बाहर है? तो देखो, इन चीज़ों को लेकर हमारा आज मुख्य उद्देश्य है भाई, ये जो दफ्तर है, ये हमारे विधायक की कोठी भी सील होनी चाहिए भाई, उसका आगे लट लगने चाहिए जो आम जनता के, आम घर के आगे लग गए। और मेरे तो विधायक जी से भी प्रार्थना है कि आंसी के विधायक ने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आंसी का विधायक अपनी कोठी में एसी रूम में आइसोलेट होने के बजाय जाट धर्मशाला में आए, जहाँ हजारों लोग ईद से पहले आइसोलेट करे गए हैं, उनको रखा गया है, वो वहाँ आके देखे भाई वहाँ किस प्रकार लोग आम जो लोग रहे हैं उनको किस प्रकार का खाना वहाँ दिया जाता था, किस प्रकार का पानी पीने के लिए दिया जाता था। वो सारी चीज़ें जब वो वहाँ आएंगे तो एक तो काफ़ी सुधार हो जाएगा, जो गरीब आदमी बेचारे वहाँ रहने लाग रहे हैं उनने मैं 15-20 दिन तो खाना सुथरा मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा। और मैंने सुनने में आया कि भी सरकार जो है ना डाइट के काफ़ी पैसे देने लग रही है, और मैं मानूँ से काजू बादाम अच्छा अच्छा जूस, काफ़ी पौष्टिक आहार जो है वो मरीजों को मिलना चाहिए था। लेकिन हमने ये भी देखा है कि किसी मरीज को पौष्टिक आहार नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या होया कि सरकार ने जो काजू बादाम जूस भेजे या तो भी डॉक्टर खा गए उसने, या फिर प्रशासन खा गया, और नहीं तो फिर मंत्री और विधायक खा गए। कहीं ना कहीं तो रोल है। तो मैं मानूँ कि विधायक जी अगर वहाँ आवेगा या सिविल हॉस्पिटल में आके लौटेगा तो विधायक जी को इन सारी बातों के बारे में जानकारी होगी कि रोड़ा कहाँ पर है, गड़बड़ कहाँ पर है। तो मेरी सबसे पहले अपील यही है विधायक जी से, प्रशासन से, भाई एक आम आदमी की तरह ही विधायक ने अपना इलाज करवाना चाहिए, न कि वीआईपी ट्रीटमेंट। वीआईपी कल्चर एक तरफ तो खत्म होने लग रहा है और दूसरी तरफ जो है वीआईपी कल्चर जो है आंसी के विधायक जो है बनाने लग रहे हैं, तो गलत है जी। लेकिन देखो, एक जनता का प्रतिनिधि जो होता है ना वो उदाहरण पेश करता है, जब वोट लेते हैं तो ये कोई ना कोई उदाहरण पेश करते हैं। हम आम आदमी हैं, आम आदमी का उदाहरण पेश करते हैं, लेकिन आज उनको एक उदाहरण पेश करना चाहिए अपने द्वारा बनाए हुए सिविल अस्पताल, अपने द्वारा बनाए हुए कोविड सेंटरों में उनको जाके रहना चाहिए, ये उनके लिए उदाहरण है। एक चलो मैंने बात मान ली भाई, घर में आइसोलेट, कोठी में आइसोलेट, लेकिन उन्हें उदाहरण तो पेश करना चाहिए।